इस फ्लॉप एक्ट्रेस की बेटी संग काम करेंगे सैफ अली खान। जवानी जाने मन से करने जा रही डेब्यू बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स के डेब्यू का चलन चल रहा है। श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी कपूर ने इसी साल धड़क से बॉलीवुड में कदम रखा है, तो वहीं सैफ अली खान और उनकी पूर्व पत्नी अमृता सिंह की बेटी सारा भी इसी साल फिल्म केदारनाथ से अपना करियर शुरू करने वाली है। अब इस लिस्ट में एक और एक्ट्रेस की बेटी का नाम शामिल होने वाला है। 1992 में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से पूजा बेदी ने डेब्यू किया था। फिल्म तो सुपरहिट रही थी लेकिन उनका करियर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया। अब पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचर वाला भी फिल्मों में अपने जलवे बिखेरने वाली हैं। आलिया सोशल मीडिया पर पहले से ही बेहद पॉपुलर हैं। वो आए दिन अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। दरअसल आलिया एक्टर सैफ अली खान के साथ फिल्म जवानी जानेमन में देखेंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ ने किया है। फिल्म की कहानी 40 साल के एक व्यक्ति और उसकी बेटी के रिश्तों पर आधारित है। आलिया सैफ अली खान की बेटी के किरदार में है। जल्द ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। फिल्म के को प्रोड्यूसर जय ने बताया कि आलिया के रोल के लिए 50 और एक्ट्रेस ने ऑडिशन दिया था, जिसके बाद आलिया का चुनाव किया गया। किसी ने मुझे बताया कि पूजा बेदी की बेटी एक्टिंग करना चाहती है। मैंने उसकी तस्वीरें देखी और पूजा को मैसेज किया कि आलिया को लेकर मेरे टच में रहें, बता दें कि फिल्म की शूटिंग मार्च से शुरू हो जाएगी। वहीं सैफ अली खान की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म बाजार थी। बाजार बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके अलावा वो वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन में व्यस्त हैं। नेटफ्लिक्स की इस सीरीज की शूटिंग पुणे में हो रही है और पहला शेड्यूल हाल ही में पूरा किया गया है। सैफ अली खान के अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें मुख्य भूमिका में हैं। माना जा रहा है दूसरे सीजन में पंकज त्रिपाठी का भी अहम रोल होगा।